आज हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय से आशय वस्तुओं के व्यापार से है कि वस्तु विनिमय क्या है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विनिमय ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जैसे अगर किसी को पहले दाल लेनी होती थी तो दाल के बदले उन्हें जैसे जो भी उनके पास है, जैसे उनके पास चावल है तो उनको 1 किलो चावल के बदले 1 किलो दाल मिल जाती थी, 1 किलो चावल के बदले 1 किलो दाल मिल जाती थी। अगर किसी को जैसे कपड़े लेने हैं तो उसके पास चावल है 2 किलो चावल तो और कपड़े ले सकते थे। तो ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं के बदले वस्तु ही दी जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण दीजिए। अब हमें वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण देना है कि कैसे 5 किलो गेहूं के बदले 1 किलो दूध का लेन देन। कि देखो आप यहाँ पे बता रखा है ना, जैसे 5 किलो दूध दिया उन्होंने और उसके बदले उन्हें क्या मिला, 1 किलो गेहूं मिल गया। तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, और ये एक उदाहरण हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय की 2 कठिनाइयाँ बताइए। अब हमें वस्तु विनिमय की 2 कठिनाइयाँ बतानी है। तो पहली है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। यहाँ पे आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था, जैसे कि हमारे पास है चावल और सामने वाले के पास है कपड़े, तो हमें तो कपड़े चाहिए पर सामने वाले को चावल की नहीं चाहिए, उसे तो दाल चाहिए। अब हमें पहले जिसके पास दाल है उसको चावल दे के दाल लेनी पड़ेगी। अगर उसको भी चावल जैसे दाल के बदले चावल नहीं चाहिए, उसको चाहिए मटर, तो हमें मटर वाले से पहले विनिमय करना पड़ेगा, उसे मटर लेनी पड़ेगी चावल के बदले, फिर उन मटरों से दाल वाले को देना पड़ेगा, दाल देगा, फिर वो दाल हम कपड़े वाले को देंगे तब हमें वो जाके कपड़ा मिलेगा। तो इसमें आवश्यकता के दोहरे सहयोग का भाव था कि जो चीज़ हमें चाहिए वो सामने वाले को नहीं चाहिए होती थी। नेक्स्ट, जो चीज़ हमारे पास है वो सामने वाले को नहीं चाहिए होती थी। वस्तु की अविभाज्यता, कि वस्तु की अविभाज्यता था कि हमने जो ये वस्तुएं थी वो इकाई के रूप में नहीं नापी जा सकती थी, कि 1 किलो चावल के बदले कितने कपड़े मिलेंगे ये भी नहीं पता था हमें, या 2 किलो दाल के बदले हमें कितने किलो चीनी मिल सकती है। कोई कहता, कोई दे रहा 1 किलो चीनी 2 किलो दाल के बदले, कोई दे रहा 4 किलो चीनी। तो इसमें वस्तुओं की अविभाज्यता थी कि इनके माप का कोई अंदाज़ा नहीं था कि किस रूप में इसे मापा जाए। नेक्स्ट, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव से क्या समझते हैं, कि आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। जैसा मैंने अभी बताया था, आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव से हमारा आशय यह है कि एक व्यक्ति जिसके पास जो अतिरिक्त वस्तु है और उसे जिस वस्तु की ज़रूरत है तभी विनिमय कर सकेगा जब वह ऐसे व्यक्ति को खोज ले जिसे गेहूं की ज़रूरत हो तथा जो दाल देने के लिए तैयार हो। कि ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता था, हमारे पास तो है गेहूं और उसको हमें ज़रूरत किसकी है, दाल की, तो हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता था जिसको गेहूं की तो ज़रूरत है और वो हमें दाल भी दे सकें। तो हमें इस दोनों व्यक्ति को एक जगह पे खोजना पड़ता था। अगर ऐसा नहीं होता था तो हमें अलग अलग जगह पे जाके पहले अपनी चीज़ें चेंज करवानी पड़ती थी, फिर जब जाके दाल लेनी पड़ती थी। तो ये था आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का अर्थ बताइए। अब हमें क्या करना है, मुद्रा का अर्थ बताना है। मुद्रा से आशय उस वस्तु से है जो विनिमय के माध्यम के रूप में अन्य तौर पर स्वीकार है और उसी समय पर मूल्य के माप और संचय के रूप में कार्य करती है। कि मुद्रा क्या है, जो एक निश्चित समय पर क्या है कि उसी जिस समय हम उसका विनिमय कर रहे हैं उसी समय पर तो मापी जा सकती है तथा संचय भी की जा सकती है तथा वो एक
विनिमय के रूप में स्वीकार भी की जा सकती है, वही मुद्रा कहलाती है। जैसे अभी आपको कोई वस्तु खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, कपड़े खरीदने के लिए आपने उसे 50 का नोट दिया, तो वो 50 के नोट से वो कपड़े दे रहा है या नहीं ये भी देखा जाएगा, तथा वो 50 का नोट चल रहा है तो वो विनिमय का साधन है और उसका माप इकाई के रूप में उसे विभाजित किया जा सकता है। हाँ, 50 को इकाई के रूप 50 रुपये को इकाई के रूप में विभाजित किया जा सकता है, तब वो मुद्रा कहलाएगी। तथा क्या 50 के नोट को संचय करके रखा जा सकता है? हाँ, इसे संचय कर भी रखा जा सकता है, तो ये मुद्रा कहलाएगी। अगर आप लेके जाते हो 1000 का नोट किसी कपड़े को ख़रीदने के लिए, तो उसके बदले हमें कपड़ा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1000 का नोट जो है वो बंद हो चुका है, इसलिए विनिमय का माध्यम नहीं हुआ, तो ये मुद्रा नहीं कहलाएगी। मुद्रा वही कहलाती है जो मुद्रा अभी वर्तमान में चल रही हो, वो मुद्रा कहलाती है जो वस्तु विनिमय के माध्यम को पूरा कर सके, कि एक वस्तु को ख़रीदने के लिए हमने जो पैसे दिए उसका उपयोग विनिमय के रूप में हो सके, वही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। मुद्रा की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं? अब हमें मुद्रा की आधारभूत विशेषताओं के बारे में बताना है। मुद्रा की आधारभूत विशेषताएं सामान्य स्वीकृति हैं, कि सामान्य स्वीकृति मतलब क्या, मुद्रा की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं, कि ऐसी मुद्रा जिसे स्वीकार कर लिया गया है, जनता के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि अगर हम उसको लेकर किसी भी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो उसके बदले हमें मुद्रा को यूज़ करके ख़रीद सकते हैं। सपोज़ आपको कहीं कपड़ा ख़रीदने जाना है और आपके पास 500 का नोट है, तो अगर आप दुकान के पास जाएंगे, किसी कपड़े की दुकान पे जाएंगे और 500 का नोट देंगे, कोई कपड़ा लेंगे, तो उसके बदले आपको कपड़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अस्वीकार कर देगा उस मुद्रा को। तो मुद्रा एक की जो आधारभूत विशेषता है उसकी स्वीकृति है, कि सबने उसे स्वीकार कर लिया है। वास्तविक मुद्रा क्या है? अब हमें वास्तविक मुद्रा के बारे में बताना है। वास्तविक मुद्रा मुद्रा का वह रूप है जो देश में वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित होता है। कि वास्तविक मुद्रा क्या है? जो मुद्रा का वह रूप है जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होता है, कि एक वस्तु या किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए हमें जिस मुद्रा की इकाई को देना होता है वो वस्तु का वास्तविक मुद्रा का रूप है, कि वो वास्तविक मुद्रा है। जैसे आपने कोई कार खरीदी, कार के बदले जो आपने रुपए दिए या डॉलर में खरीदी, तो जिस रूप में भी आपने खरीदी ना, वही क्या हो गया, वास्तविक मुद्रा हो गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, विधिग्रह मुद्रा क्या है? विधिग्रह मुद्रा क्या है? विधिग्रह मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, कि ऐसी मुद्रा है ये जिसको कानूनी रूप से स्वीकार करना ही होगा, अगर आपने इसको स्वीकार नहीं किया तो आप विनिमय नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं विधिग्रह मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित विधिग्रह मुद्रा क्या है? सीमित विधिग्रह मुद्रा वह मुद्रा है जिसे किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा में अधिक स्वीकार करने को बाध्य नहीं किया जा सकता, कि इसे एक निश्चित सीमा से अधिक स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि वो एक निश्चित सीमा तक ही उसे स्वीकार कर सकता है। अगर उससे आगे भी उसे स्वीकार करना है तो वो उसकी मर्जी होगी, उससे अगर उसकी मर्जी नहीं है तो उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता उसे स्वीकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीमित विधिग्रह मुद्रा क्या है? असीमित विधिग्रह मुद्रा वह मुद्रा है जिसे किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से अधिक स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, कि उसको निश्चित सीमा से ऊपर भी उसे स्वीकार करना होगा, कि अगर उनने स्वीकार नहीं किया तो उसे बाध्य भी किया जा सकता है उसे स्वीकार करने के लिए, वो इस मुद्रा को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, तो वो होती है असीमित विधिग्रह मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलता अधिमान क्या है?
तरलता अधिमांग से आशय मुद्रा शेष की मांग से है कि तरलता अधिमांग क्या है, मुद्रा शेष की मांग कि जो मुद्रा शेष की मांग है वो तरलता अधिमान है, अर्थात लोगों में मांग शेष के रखने की इच्छा, कि लोगों में मांग शेष को रखने की इच्छा क्या कहलाती है, मुद्रा शेष मांग कहलाती है, जिसे हम तरलता अधिमान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलता अधिमांग के दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो स्वयं व्यवहार प्रयोजन और सट्टा प्रयोजन, ये क्या है, तरलता अधिमांग के दो उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कारक का नाम बताइए जिस पर स्वयं व्यवहार प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो कौन सा कार्य है, आय का स्तर, कि आय के स्तर पर क्या होता है कि स्वयं व्यवहार प्रयोजन के मुद्रा की मांग निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कारक का नाम बताइए जिस पर सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो वो है ब्याज की दर, ब्याज की दर पर क्या, सट्टा प्रयोजन की दर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की संचालन व्यंग क्या है, मुद्रा की एक इकाई और का एक अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचालन व्यंग कहा जाता है, कि मुद्रा का जितनी बार हस्तांतरण होगा उसे मुद्रा व्यंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा पूर्ति की परिभाषा दीजिए, मुद्रा पूर्ति से हमारा अभिप्राय एक देश में किसी व्यष्टि दिन मुद्रा के स्टॉक से है, कि मुद्रा पूर्ति क्या है कि एक किसी दिन भी जो मुद्रा का स्टॉक है वो उससे है, कि व्यष्टि दिनों में जो मुद्रा का एक स्टॉक है उसको ही हम क्या कहेंगे, मुद्रा पूर्ति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा पूर्ति के घटक बताइए कि मुद्रा पूर्ति के कौन कौन से घटक हैं, करेंसी नोट व सिक्के, जो हमारे पास करेंसी होती हैं और नोट होते हैं सिक्के, ये सब क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति के घटक हैं। दूसरा क्या है, व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा किए गए जमा, जो व्यावसायिक बैंकों में लोग जमा करते हैं अपने पैसे, वो भी क्या है, मुद्रा पूर्ति के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की आपूर्ति के विभिन्न माप क्या हैं, कि जो मुद्रा की आपूर्ति के विभिन्न माप हैं वो हैं M1, M2, M3, M4, ये विभिन्न माप हैं मुद्रा पूर्ति के। नेक्स्ट, M1 से क्या आशय है, M1 जनता द्वारा धारित करेंसी C प्लस बैंक के पास जमा राशि DD, रिजर्व बैंक के पास संग्रहित जमा OD, तो ये क्या है, M1 का मतलब है ये, मतलब कि C प्लस DD प्लस OD, इसे कहते हैं M1 का फॉर्मूला। नेक्स्ट, M2 से क्या आशय है, M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में जमा राशि, कि M1 प्लस डाकघर में जमा राशि को ही M2 कहा जाता है। नेक्स्ट, M3 से क्या आशय है, M3 बराबर M1 बैंक के पास जमा शुद्ध सावधिक जमाएं, कि M1 प्लस बैंक के पास जो हमारी शुद्ध सावधिक जमाएं हैं उसको M3 कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, M4 से क्या आशय है, M4 बराबर M3 प्लस डाकघर में बचत संगठन के पास जमा समस्त जमाएं, कि हमारी जितनी भी समस्त जमाएं हैं उसके साथ M3 को प्लस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, M4 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलता से क्या अभिप्राय है, तरलता से अभिप्राय किसी परिसंपत्ति के मूल्य में घाटा उठाए बिना तुरंत नकदी में परिवर्तित कर पाने की क्षमता, कि उस जो हमारे पास परिसंपत्ति है उसे हमने तुरंत नकदी में परिवर्तित करने की जो क्षमता है ना, उसे ही हम तरलता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा पूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल माना जाता है, तो M1 जो है वो सबसे अधिक तरल माना जाता है मुद्रा पूर्ति में। नेक्स्ट, एक बैंक क्या है, बैंक एक वित्तीय संस्था है, क्या वित्तीय संस्था है, जो जनता के जमा स्वीकार और उधार देने का कार्य संपन्न करती है, कि एक तो जनता का जमा भी स्वीकार करती है तथा जनता को
उधार भी देती हैं, तो वही क्या है, बैंक है। बैंकिंग क्या होती है? उधार देना या निवेश करने के ध्येय से जनता के मांगने पर या चेक, धनादेश आदि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जमा स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं, कि जो जमा हमारी स्वीकार कर ले तथा वो चेक और धनादेश के माध्यम से हमारी जमा स्वीकार कर ले, उधार दे और निवेश करे, तो वही क्या कहलाती है, हमारी बैंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक के आवश्यक लक्षण क्या हैं? चेक द्वारा आहरणीय जमा स्वीकार करना, कि हमारी जो जमाएं हैं वो चेक द्वारा भी स्वीकार करना, यह बैंक का पहला लक्षण। दूसरा, उधार देना तथा बैंक उधार भी देती है, यह उसका दूसरा लक्षण है। एक तो चेक को स्वीकार करती है, दूसरा वो उधार देती है, ये बैंक के दो लक्षण हो गए। नेक्स्ट, एक व्यापारिक बैंक के दो प्राथमिक कार्य क्या हैं? कि जमा स्वीकार करना और उधार देना। कि प्राथमिक कार्य क्या हैं? जमा स्वीकार करना और उधार देना, ये उसके प्राथमिक कार्य हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।